आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म का पैन कार्ड कैसे बनवाया जाता है। अगर आपकी कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है या फर्म है, या आगे चलकर आप अपनी कोई संस्था बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप एप्लीकेशन टाइप में चूज करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन। कैटेगरी में आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप सोसाइटी का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन चूज करेंगे। अगर आप ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट चूज करेंगे, और अगर आप फर्म का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप फर्म चूज करेंगे। जैसे कि मैं सोसाइटी यानी संस्था का पैन कार्ड अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं चूज करूंगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इसके बाद टाइटल में चूज करेंगे एमएस, और यहां पर अपनी सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म का नाम डाल देंगे। इस तरह से आप अपनी सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म का नेम डालेंगे। इसके बाद यहां पर आप डेट चूज करेंगे, किस डेट को आपने ये सोसाइटी बनाई थी। इसके बाद एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालेंगे। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट। सबमिट करते ही एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसमें पहले से ही फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, आप इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपकी सोसाइटी की कोई इनकम है तो आप इनकम सोर्स चूज करेंगे, इनकम किस तरह से है, और अगर इनकम नहीं है तो आप नो इनकम चूज करेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको कौन सा रखना है, रेजिडेंस या ऑफिस, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि हम रेजिडेंस चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको फुल रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। इसमें आप कंट्री चूज कर लेंगे इंडिया, अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी चूज करेंगे, जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ दिल्ली। इसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। इसी तरह से अगर आपकी सोसाइटी का कोई ऑफिस है तो आप उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप चूज करेंगे कंट्री कोड इंडिया, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर डालना होगा। इसके लिए आप यहां पर चूज करेंगे इंडियन सिटीजन, अपना स्टेट आप यहां पर चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं चूज कर लेता हूं दिल्ली। इसके बाद सिटी चूज करेंगे। नीचे आपको अपना एओ कोड चूज कर लेना है, जैसे कि यहां पर मैं ये चूज कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म का पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चूज कर लेते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी हम सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही चूज कर लेते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप चूज करेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी। ऑथराइज सिग्नेचरी कौन है उसका नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। तो जो भी डायरेक्टर है जिसके सिग्नेचर लगते हैं उसका नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस का नेम डालेंगे, जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद सबमिट। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी, आप एक बार सही तरीके से चेक करेंगे। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप उसको सही करेंगे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन एडिट करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम चूज कर लेंगे। ₹107 का आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको डिजिटल और फिजिकल दोनों पैन कार्ड मिल जाएंगे। डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा, जबकि फिजिकल पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट करना होगा, पे कंफर्म। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर। यहां से आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे करना है तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा। इसमें यहां से बैंक चूज कर लेंगे, किस बैंक की नेट बैंकिंग से आप पे करना चाहते हैं। इसके बाद पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पेज पर। आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर को क्लोज नहीं करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको एप्लीकेशन जनरेट करनी है और उसको प्रिंट
प्रिंट कर लेना है, जिसके लिए आप जनरेट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये पीडीएफ लॉक होती है, इसको अनलॉक करने के लिए आप डेट डालेंगे जो भी आपने एप्लीकेशन में डाली थी, पीडीएफ अनलॉक हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड पर क्लिक करके। इसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रिंट करा लेनी है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप अपने आसपास की किसी भी कंप्यूटर शॉप से प्रिंट करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन दो पेजेस पर प्रिंट होगी, जैसे कि मैंने इसको प्रिंट कर लिया है। प्रिंट करने के बाद आपको दो सिग्नेचर करने होंगे, एक सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे और साथ ही अपनी सोसाइटी का स्टाम्प यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा दूसरे सिग्नेचर आपको यहाँ करने होंगे, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और साथ ही सोसाइटी का जो स्टाम्प है वो यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद आपकी जो सोसाइटी या ट्रस्ट है उसकी आप एक कॉपी कराएंगे और वो कॉपी आप इसके साथ में अटैच करेंगे और इसको आप बाय पोस्ट सेंड करेंगे एक एड्रेस पर। ये है वो एड्रेस, इस एड्रेस पर बाय पोस्ट आप अपनी एप्लीकेशन को सेंड करेंगे। तो पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बाद एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है, इस पर सिग्नेचर और स्टाम्प लगाएंगे और इसके साथ में अपनी सोसाइटी या ट्रस्ट की एक फोटोकॉपी लगाएंगे और इसको आप बाय पोस्ट सेंड कर देंगे इस एड्रेस पर। अगर आप चाहें तो NSDL के किसी ऑफिस पर जाकर आप खुद से भी जमा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाय पोस्ट इस एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा जो आपने एप्लीकेशन में दी है और फिजिकल पैन कार्ड आपके इसी एड्रेस पर जो आपने एप्लीकेशन में दिया है बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप अपनी सोसाइटी, ट्रस्ट या फर्म का ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।